होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इजी स्टिचिंग एंड कटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाफ कॉलर की वीडियो, जिसमें मैं कुर्ती पर हाफ कॉलर चढ़ाना बताऊँगी कि किस तरह से लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सिलाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी सवाल आपके दिमाग में है, कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है, बिगनर्स हैं, सिलाई सीख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके कोई भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो ये देखिए, मैंने अपनी ये कुर्ती को बना लिया है, क्योंकि कुर्ती में कॉलर बनाते समय या बनाने के बाद कभी भी अटैच कर सकते हैं। तो ये मैंने कुर्ती में सामने वाला गला बनाया है। देखिए, जो हाफ कॉलर की कुर्ती होती है उसमें हम सिर्फ बैक वाली साइड में कॉलर चढ़ाते हैं और थोड़ा थोड़ा हम सामने वाली साइड में कॉलर चढ़ाते हैं, इसलिए इसका पीछे वाली साइड में हम इसमें कॉलर कट नहीं करते हैं, गला बिल्कुल भी कट नहीं करते हैं, सिर्फ सामने वाले पर्दे पर ही हम गला कट करते हैं। और उसे कॉलर चढ़ाने से पहले हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इस पर पट्टी लगाकर इसको तैयार कर लिया है। अब मैं इस पर तुरपाई डालूंगी, जो कि बाद में डाल दूंगी, ठीक है। तो ये मेरा तैयार कुर्ता है। अब मैं इसका आपको नाप बताती हूँ कि कॉलर मुझे कितना कट करना है। हम फ्रंट वाली साइड पर जो हमारा आगे का पर्दा है उस पर 2.5 इंच का कॉलर इधर और 2.5 इंच इधर दोनों साइड में रखेंगे। तो पहले हम निशान लगा लेंगे। ये जो सिलाई का जॉइंट है, यहाँ से निशान लगाएंगे, यहाँ से और ये 2.5 इंच पे इस तरह एक निशान लगा लेंगे, और इसी तरह हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पर। ये देखिए, ये 2.5 इंच आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से इस तरह से हम इंची टेप लगाएंगे जॉइंट के पास से, और इस तरह इसको खींचकर नापेंगे। ये मेरा 6 इंच आ रहा है। तो 6 इंच मेरा बैक में हो गया, और 2.5 5 ये हो गया, 6 और 5 11 इंच, यानी मैं 11 इंच का कॉलर कट करूँगी। ये देखिए, मैंने ये 11 इंच लंबी पट्टी ले ली है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए, मेरी पूरी 11 इंच की पट्टी है ये, और इसकी चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इसकी चौड़ाई 1 इंच रखी है। ये देखिए, 1 इंच इसकी चौड़ाई है और 11 इंच इसकी लंबाई है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद इसमें हल्का सा राउंड देंगे इस तरह से, जो इसके किनार पर बिल्कुल किनारे पर फ्रंट वाली साइड पर रहेगा, और इसे कैंची से कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह इसके किनारे गोल हो जाएंगे। उसके बाद हम कपड़ा लेंगे। ये मेरा कपड़ा है, ये मेरी कुर्ती के ट्राउज़र का कपड़ा है। अब मैं इसमें इसको अटैच करूँगी। एक साथ कपड़ा चाहिए इसके लिए। इसे इस तरह रखेंगे, अब इसे अटैच कर देंगे सिलाई से। एक पैर की सिलाई चलाएंगे हम। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत इजी वे में बता रही हूँ, और बिल्कुल साइड की तरह मैं आपको चढ़ाकर कॉलर दिखाऊंगी। जिस तरह साइड पे कॉलर चढ़ाया जाता है, उसी तरह मैं कुर्ती पे भी आपको चढ़ाकर दिखाऊंगी। अब इसे इधर से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, सिर्फ इतना मार्जिन छोड़ के मैंने कट कर लिया है। अब इस कपड़े को हमें सीधा रखना है, उसके बाद इसके ऊपर हम फिर से इस कॉलर को जमाएंगे। थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को हमें इसको रखना है, इतना
केवल इतना आपको दिखाई दे रहा है। मैं चौक से आप ये देखिए फ्रेंड्स, इतना मार्जिन छोड़ के इस कॉलर को इस तरह से सिल लेंगे। यहाँ से हल्का सा छोड़ देंगे और ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब देखिए इसे चढ़ाते किस तरह से हैं। ये मैंने अपना कुर्ता ले लिया। अब देखिए किस तरह से हमको कॉलर चढ़ाना होता है। एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि किस तरह से करते हैं। ये जो हमारी टेट्रोन वाली साइड है, ये आपको दिखाई दे रहा है, टेट्रोन वाली साइड को हमें इस तरह से पलटना है, ठीक है। पलटने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से इस तरह जो भी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको पकड़ के और इस वाली साइड से, यानी हमें अपने लेफ्ट वाली साइड से कॉलर को चढ़ाना स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ हमने जो निशान लगा रखा है 2.5 इंच वाला, यहाँ से हम ये जो हमने कपड़ा पकड़ा है और यहाँ से हम इस चीज़ को पकड़ेंगे और इस तरह रखेंगे इसको। इस तरह रखते हुए हमें इसको ऊपर सिलाई को चलाना है। ये देखिए मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। और हमको इस तरह से सिलाई को चलाते जाना है। और यहाँ देखिए ये दोनों मेरे कट बिल्कुल सेंटर पर आए हैं। ये देखिए ये वाला कट और ये वाला कट दोनों सेंटर पर आए हैं, यानी मेरा कॉलर एकदम ठीक चल रहा है। और इसी तरह सिलाई को चलाते जाएंगे। और यहाँ भी हमको इसी तरह कपड़े को फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करने के बाद और जो हमारा निशान था वहाँ तक हमको इसको रखना है। बिल्कुल वहीं तक मेरा कपड़ा आ रहा है और सिलाई को चला दे। पक्का करते हुए चलाएंगे। ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद क्या करेंगे, इस कॉलर को अंदर की साइड इस तरह से पलटेंगे। ये देखिए इस तरह पलटा। पलटने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है सबको हम अंदर की साइड में कर देंगे और इसे हम इस तरह से, देखो कुछ इस तरीके से हमें इसमें फिनिशिंग देनी है, दिख रहा है आपको। और हमको अब यहीं से मशीन को इसके ऊपर चढ़ाना है। मशीन को यहीं से चलाना स्टार्ट करेंगे और अब हम इस तरह से इसे मोड़ लेंगे। देखिए आपको क्लियर दिखे, आप फोल्ड करते जाएंगे और हमको इसके किनारे पर सिलाई को चलाते जाना है। आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, बिल्कुल किनार पर हमको सिलाई को चलाते जाना है। कॉलर को फोल्ड करते जाना है अंदर की साइड में और इसके किनारे पर सिलाई को चलाते जाना है। ये देखिए और यहाँ पर फ्रंट पे आने के बाद भी हमको वही प्रोसेस करनी है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, धागा है, जो भी है, उसे सारा कुछ अंदर के लिए फोल्ड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ एकदम फिनिशिंग दिखाई देनी चाहिए। और यहाँ तक चलाने के बाद एक सिलाई हम इसके किनारे पर चलाएंगे।
और यहाँ ला के हमको सिलाई को मशीन को उतार देना है। ये मेरा कॉलर चल के कम्प्लीट हो गया है। जो भी धागा दिखे उसे आप कट कर दीजिए, क्योंकि धागा दिखाई देता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, एकदम फिनिशिंग के साथ होना चाहिए। और देखिए इसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना सुंदर करके मेरा कॉलर चढ़ा है। ये देखिए गाइस, ये मेरा कॉलर इस तरीके से आएगा कुछ, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम फिनिशिंग के साथ मेरा कॉलर इस पर चढ़ गया है, देखिए। और मैं आपको यहाँ से क्लियरली दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको कोई भी जॉइंट दिखाई नहीं देगा, कोई भी धागा दिखाई नहीं देगा। जिस तरह हम साइड पर चढ़ाते हैं कॉलर, बिल्कुल सेम वैसे ही मैंने यहाँ चढ़ाया है। और देखिए कितना एकदम ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। जो भी धागा है उसे मैं कट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा कॉलर चढ़ाने का तरीका कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और रेड बटन पर प्रेस करें और ऑल वाली बेल पर क्लिक करें, जिससे कि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।